आत्मविश्वास, जिसको अपनी आत्मा में विश्वास होता है वह सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंशियल वाला व्यक्ति जो है कहीं पर भी नहीं अटकता पूरे विश्व में, इस कारण ये तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति का आत्मविश्वास घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, इतना घट रहा है कि वो अपने आप को किसी काबिल ही नहीं समझता है, किसी के योग्य नहीं समझता है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है आत्मविश्वास, हर इंसान के लिए जरूरी बात है। और हमारी दृष्टि गलत होने के नाते हमारा जो आत्मविश्वास हो ज्यादा हो, कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, डिप्रेशन एलिवेशन, मतलब कभी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, भाषा बदलते रहते हैं, संजोगों बदलता रहता है, और इसीलिए हमारा आत्मविश्वास भी कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। तो वो तो होना ही है, वो अनस्टेबल है तो फिर कॉन्फिडेंस भी अनस्टेबल रहेगा। हमारी दृष्टि आत्मा के ऊपर होनी चाहिए, जो स्टेबल है, सर्वशक्तिमान है, इनफाइनाइट पावर है और अविनाशी है, स्थिर है। हम जब अस्थिर और टेम्पररी के ऊपर विश्वास लगाएंगे तो क्या हमारा विश्वास टिक पाएगा लंबे समय के लिए? नहीं। जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, इनफाइनाइट पावर वाला है, अगर वहां दृष्टि रहेगी तो अपने आप स्थिरता भी आएगी और आत्मविश्वास भी आएगा। तो यह गलती क्या होती है, दृष्टि में गलती कहां होती है? ये तो मैंने सिंपल समझाया, लॉजिकली गलती ये होती है, हम ये मानते हैं कि हम शरीर से जीते हैं, हम हवा पानी खुराक से जीते हैं, हम संबंध सत्ता संपत्ति साधनों से जीते हैं, इन शॉर्ट हम टोटली शरीर और शरीर के माध्यम से मिला हुआ संजोग के ऊपर आधारित है, ये हमारी दृष्टि है। वहां तक तो कंफ्यूजन है, वहां तक तो कॉन्फिडेंस आने की संभावना ही नहीं है, परिवर्तनशील है। तो फिर आत्मविश्वास कैसे आएगा? हमको हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो संजोग है। संजोग के आधार से शरीर नहीं है और शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी खुद ही टेम्पररी के ऊपर है, खुद ही अप्स एंड डाउन्स परिवर्तनशील होने वाले संजोग के ऊपर है। तो फिर स्वाभाविक आत्मविश्वास कैसे आएगा, कैसे रहेगा और कैसे बढ़ेगा? खुद ही परिवर्तनशील है। तो हमारी सोच को बदलो। आत्मा के आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। शरीर को जलाने के बाद भी आत्मा रहेगा, मतलब वो शरीर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और शरीर के आधार से संजोग है, अगर शरीर नहीं है तो दुनिया है ही नहीं। सत्ता संपत्ति संबंध साधन, अगर शरीर नहीं होता तो होता है नहीं होता है, उसी को तो मृत्यु कहते हैं। तो हमको दृष्टि बदलना पड़ेगा। हम पहले अभी बाहर से अंदर जाते हैं, जो साधन संपत्ति सत्ता संबंध है तो शरीर की वैल्यू है, और तो फिर आत्मा है तो हम जीवित है, यानी उसकी वैल्यू लास्ट कर दिया हमने और बाहर की वैल्यू बढ़ा दिया, सेकेंडरी वैल्यू शरीर की किया और थर्ड वैल्यू आत्मा की किया, उनकी हाजिरी से होता है। आध्यात्म विज्ञान में कहते आत्मा के आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? शरीर और आत्मा की बात होगी तो आत्मा की वैल्यू होनी चाहिए। और जब आत्मा की वैल्यू होगी, वो तो चेतन है, अविनाशी है और अन्य शक्ति वाला है, जब इसकी वैल्यू करेंगी, उसकी वैल्यू दृष्टि में होगी तो कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि वो तो चेतन अविनाशी अनंत शक्ति वाला है, उसमें कभी कम तो होगा ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस कैसे जाएगा हमारा? अगर चला जाने का कहेंगे, डिप्रेस होने कहेंगे, कैसे होगा बताइए? इज स्टेबल एंड परमानेंट।
तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमको ये बात समझना पड़ेगा कि चाहे अवस्थाएं रहे या न रहे, शरीर रहे या न रहे, मगर मैं हूं, मैं हूं तो शरीर है, मैं हूं तो संजोग है, और मैं हूं तो दुनिया है। अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया है ही नहीं। मगर हम क्या मानते हैं, दुनिया है तो हम हैं, दुनिया के बिना हम कुछ नहीं है। बस ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्मा की शक्ति से ज्यादा शक्ति ब्रह्मांड में चैतन्य के रूप में किसी के पास नहीं है। न चाहे राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी, क्योंकि राम कृष्ण महावीर की जो शारीरिक शक्ति थी वो भी तो कुदरत के अधीन थी और टेम्पररी थी। मगर आत्मा की शक्ति कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है और परमानेंट है, कभी कम ज्यादा नहीं होती है। तो हमारे आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में जो पावर्स है, प्रत्येक आत्मा में जो चैतन्य स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा जो अविनाशी है, वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। और उनके ऊपर रखा हुआ विश्वास वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमानेंट है। फेल कैसे होगा, जो परिवर्तन है उसमें पास फेल होता है, जो परिवर्तन है उसमें आने जाने का होता है, जो परिवर्तन होता है उसमें प्राप्ति और लॉस होता है। यहां तो संभव है ही नहीं। इसीलिए दृष्टि को बदलो, मैं हूं तो दुनिया है, मैं हूं तो शरीर है, मैं हूं तो साधन संपत्ति वैल्यू है। अगर मैं नहीं हूं तो मैं जंगल में जाऊंगा और जंगल के अंदर डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल, बहुत सारा केमिकल्स, कॉस्टली मटेरियल, यूरेनियम वगैरह है, पड़ा हुआ है, मगर इंसान नहीं है ना, आत्मा वाला इंसान नहीं है, वैल्यू कौन करेगा बताइए। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वहां पड़ा है, वहां जंगल के प्राणी भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, वहां और सारे भी प्राणी हैं। क्या गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की वैल्यू वो कर सकते हैं? तो वहां वैल्यू जीरो है। तो दुनिया की कोई भी चीज की वैल्यू क्या हमारे से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वैल्यूअर ही तो हम है। आखिर यही बात समझ रहा है हमको।